नमस्कार, स्वागत आप सभी का बाजारों की चाल के अंदर। मैं हूं आपके साथ अखिलेश शाठी और बाजारों की चाल में चर्चा करेंगे यहां पर कम्युनिटी बाजार के बारे में। जानेंगे कि शाम के कारोबारी सत्र में हफ्ते के पहले कारोबारी दिन कम्युनिटी बाजार कैसा ट्रेड करता नजर आ रहा है और उस पर हमारे एक्सपर्ट की क्या राय है। तो कम्युनिटी बाजार पर आज चर्चा करने के लिए इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं SMC के रिसर्च एसोसिएट रविंद्र शर्मा जी। रविंद्र जी, बहुत बहुत स्वागत आपका मार्केट MCV पर। रविंद्र जी, सबसे पहले बात करें अगर गोल्ड और सिल्वर की, तो गोल्ड और सिल्वर की गोल्ड की कीमतों को हमने $1900 पर अभी रिसेंटली जाते हुए देखा था बीते दो ट्रेडिंग सेशन पहले, बीते कारोबारी सप्ताह, लेकिन फिर से देख रहे हैं कि $1900 के नीचे गिरती नजर आई है कीमतें। आपको क्या लगता है, ये जो डॉलर में अचानक से इतनी तेजी आई है और गोल्ड इतना डाउन गया है, इसके कारण क्या क्या है? देखिए, गोल्ड सिल्वर की बात करें तो गोल्ड सिल्वर में करेक्शन जो है कंटिन्यूएशन में देखने को मिली थी, लेकिन जरूर हमें एक बाउंस बैक देखने को मिला था जब फेड ने अपना इंटरेस्ट रेट डिसीजन जो था वो अनाउंस किया था। लेकिन ओवरऑल देखें तो यहाँ पे डॉलर जो था वो पॉजिटिव साइड में ही रहने वाला था, क्योंकि एक तो इंटरेस्ट रेट इंक्रीज किए थे और ऊपर से इन्फ्लेशन टारगेट्स जो थे वो भी उसको फेवर कर रहे हैं, और दूसरा US के जो डेटा आ रहे हैं इस समय वो भी डॉलर सपोर्टिव है, और उसी वजह से डॉलर जो है वो हायर साइड में मूव कर रहा है। अगर डॉलर इंडेक्स को देखें तो डॉलर इंडेक्स इस टाइम पे 20 ईयर्स हाई पे ट्रेड कर रहा है। यहाँ से चांसेस हैं कि फर्दर हमें गोल्ड में डाउनसाइड करेक्शन देखने को मिलेगी। अभी अगर चार्ट पैटर्न्स की बात करें तो डेली चार्ट पैटर्न्स पे भी गोल्ड का M3X पे 50,500 का मेजर सपोर्ट होल्ड कर रही है कमोडिटी। वहीं इंटरनेशनल कॉमेक्स पे बात करें तो 1830 के आसपास का सपोर्ट होल्ड कर रही है कमोडिटी, और अभी भी डाउनसाइड जाने के काफी चांसेस हैं, क्योंकि इस समय कॉमेक्स पे 1860 के अराउंड ट्रेड कर रहा है, तो $30 की और डाउनसाइड देखने को मिल सकती है इस कमोडिटी में। लेकिन अगर उसके नीचे ब्रेक करता है तो फिर हमें फर्दर सेल ऑफ देखने को मिलेगा, लेकिन चांसेस ये है कि 1830 से वापस बाउंस बैक देखने को मिल सकता है इस कमोडिटी में। जी रविंद्र जी, देख रहे हैं कि क्रूड में भी यहाँ पे आज ऊपरी स्तर से कुछ कीमतें गिरी हैं, 2-2% की गिरावट WTI ब्रेंट में देखने को मिल रही है। आपको क्या लगता है, जिस हिसाब से रशिया पर बैन लगाए जा रहे हैं, तो इससे क्रूड की कीमतें आगे फर्दर राइज होंगी या फिर यहाँ से एक डाउनफॉल देखने को मिलेगा? देखिए, क्रूड में ओवरऑल इस समय जो मूवमेंट है ये टोटली न्यूज बेस्ड मूवमेंट है, कुछ भी टेक्निकल इस समय नहीं चल रहा है मार्केट में। लेकिन जिस तरीके से मार्केट जो मूव दिखा रही है, चांसेस ये है कि आने वाले कुछ दिनों में एक तो जो सेल ऑफ देखने को मिल रहा है वो इस वजह से भी है कि जो COVID-19 के केसेस चाइना में इस समय राइज हो रहे हैं और उसकी वजह से लॉकडाउन जो है वो हर्ट कर रहा है डिमांड को। लेकिन ओवरऑल हम देखें तो प्राइसेस जो है वो अभी भी सपोर्टिव देख रहे हैं, क्योंकि इस तरीके से ज्यादा फॉल देखने को नहीं मिल रहा है। प्राइसेस जरूर करेक्ट हो रहे हैं, हफ्ते में एक दो दिन करेक्शन दिखाते हैं, लेकिन उसके बाद में बाइंग साइड में भी वो 8500 के आसपास जाके सपोर्ट ले रेजिस्टेंस फेस कर रहे हैं, और डाउन साइड में 8000 के अराउंड का सपोर्ट होल्ड कर रही है। तो चांसेस ये है कि आने वाले दिनों में जब तक क्लैरिटी नहीं बनती है मार्केट में, ये इसी रेंज में ट्रेड करेगा। जी रविंद्र जी, बात करें यहाँ से अगर बेस मेटल्स की, तो आज हमने बेस मेटल्स में कॉपर में काफी ज्यादा नरमी आते हुए देखी है। आपको क्या लगता है, ये कॉपर में अचानक से जो गिरावट बनी है ये किस लिए बनी है, डिमांड की कमी है या फिर इन्वेंट्री ज्यादा बढ़ी है? देखिए, बेस मेटल में एक तो डॉलर इंडेक्स जो है ये 20 ईयर हाई पे है, वही सेम एक रीजन बनता है क्योंकि ये ऑपोजिट मूव करते हैं, तो वहां से भी ये करेक्शन देखने को मिल रही है। और दूसरा, हायर इंटरेस्ट रेट जो है वो एनवायरमेंट, मतलब ग्लोबल एनवायरमेंट को, उसकी जो ग्रोथ है उसको हर्ट करते हैं, और उसकी वजह से प्राइसेस जो है ये बेस मेटल के डाउन साइड आ रहे हैं। और एक रीजन ये है कि चाइना जो है वो लार्जेस्ट यूजर है बेस मेटल का, और वहां पे लॉकडाउन जो हो रहा है उस वजह से भी थोड़ा हर्ट हो रहे हैं ये प्राइसेस, और हमें सेल ऑफ देखने को मिल रहा है। जी रविंद्र जी, बात करें अगर नेचुरल गैस की, तो नेचुरल गैस में हमने काफी तेजी बनते हुए देखी, दो बार नेचुरल गैस ऑल टाइम हाई लगा चुकी है। अब यहाँ से क्या लगता है, क्या नेचुरल गैस के फंडामेंटल्स इतने स्ट्रांग हैं कि नेचुरल गैस की कीमतों को एक बार फिर से न्यू हाइस पर लेके जाएं? देखिए, इस समय डिमांड और सप्लाई का मेजर इशू आ रहा है नेचुरल गैस में, क्योंकि रशिया की तरफ जो सैंक्शंस यूरोपियन कंट्रीज में लग रहे हैं वो पूरा करना US के लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट है, क्योंकि जिस क्वांटिटी में रशिया सप्लाई करता था उस क्वांटिटी में US को सप्लाई करने में टाइम लगेगा, और वही इस समय हमें देखने को मिल रहा है कि प्राइसेस जो है वो हायर साइड ही मूव कर रहे हैं। जरूर करेक्शन देखने को मिलती है, लेकिन उसके बाद में ओवरऑल ट्रेंड जो है वो पॉजिटिव ही दिख रहा है।
और अभी फॉर द टाइम बीइंग प्राइसेस सपोर्टिव ही रहेंगी क्योंकि वेदर रिपोर्ट भी जो है ये प्राइसेस को सपोर्ट कर रही है। जी रविंद्र जी, नॉन एग्री कम्युनिटीज में आप टॉपिक्स क्या देना चाहेंगे? नॉन एग्री कमोडिटीज में हम गोल्ड को शॉर्ट करके चल सकते हैं, रैली पे शॉर्ट करेंगे 51,100 से 200 की रेंज में शॉर्ट कर सकते हैं, 350 वो रहेगा स्टॉप लॉस और डाउन साइड में 50,500 का रहेगा पोजिशनल टारगेट। और दूसरा कॉल हमारा रहेगा बेस मेटल काउंटर से, एल्यूमिनियम को शॉर्ट करके चल सकते हैं, 235-236 की रेंज में शॉर्ट करेंगे, 240 वो रहेगा स्टॉप लॉस और डाउन साइड में टारगेट करेंगे 227। जी तो ये तो बात करी थी हमने यहाँ पे नॉन एग्री कम्युनिटीज़ की, यहाँ से आगे बढ़ेंगे बात करेंगे एग्री कम्युनिटीज़ की, जानेंगे अपने एक्सपर्ट से कि अब एग्री कम्युनिटीज़ में कहाँ कहाँ पर कितने कमाई के मौके हैं। शुरुआत करेंगे सबसे पहले M6 कॉटन से। रविंद्र जी, हम M6 कॉटन में देख रहे हैं कि एक के बाद एक लगातार जो कीमतें हैं तेजी की ही ओर हैं। ऊपरी स्तरों से पहले सबको लग रहा था कि हाइएस्ट साइड से यहाँ से करेक्शन बन जाएंगे, लेकिन उस ऐसा देखने को नहीं मिला है, जो उल्टा जो प्राइजेज हैं M6 कॉटन की वो लगातार तेजी की ओर है। 45,000 के बाद देख रहे हैं कि अब कॉटन 47,600 पर ट्रेड करती नजर आ रही है। आपको क्या लगता है, क्या अभी कॉटन ऐसे ही फर्दर ट्रेड करती रहेगी तेजी की ओर और 50,000 का लेवल दिखाएगी, या फिर यहाँ से अभी भी शार्प करेक्शन कभी भी आ सकते हैं? देखिए कॉटन में एक तो अनफेवरेबल वेदर की वजह से यूएस से एक्सपोर्ट जो है सप्लाईज का जो कंसर्न है वो एक्सपोर्ट को हर्ट कर रहा है और उसकी वजह से इंटरनेशनल कॉटन जो है ये हायर साइड मूव कर रहा है। और वही डोमेस्टिक कॉटन की बात करें तो यहाँ पे भी सप्लाई क्रंच अभी इस समय फेस कर रही है मार्केट और डिमांड जो है वो अच्छी है और उसी वजह से डिमांड सप्लाई मैच नहीं कर पा रहे और प्राइसेस जो है ये हायर साइड में मूव कर रहे हैं। टेक्निकली बात करें तो टेक्निकल चार्ट पैटर्न से अभी भी हायर साइड देखने को मिल सकती है, प्राइसेस हायर साइड में 47,900 के आसपास रेजिस्टेंस फेस कर सकते हैं और सपोर्ट इस समय होल्ड कर रही है 47,200 के अराउंड। अगर 47,200 के नीचे सपोर्ट ब्रेक करता है तो चांसेस है कि करेक्शन देखने को मिलेगी। जी रविंद्र जी, बिनौला खल की बात करें तो NCDX पर देख रहे हैं बिनौला खल 2800 तक नीचे में गया था, बल्कि जो स्पॉट मार्केट है वहाँ पे प्राइसेस ज़्यादा है, फंडामेंटल्स भी देख रहे हैं कि कुक्कुट के काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग है। ऐसा भी नहीं है कि कॉटन में गिरावट है जिसकी वजह से बिनौला खल में गिरावट देखने को मिल रही हो, तो ऐसा क्यों देखने को मिल रहा है कि स्पॉट में जो प्राइसेज हैं वो 4,000 तक हैं, वहीं पर फ्यूचर्स में देख रहे हैं 2800-2900 तक गिरावट देखने को मिल रही है, ऐसा क्यों है? देखिए कोकुड़ में देखें तो कोकुड़ में इस समय प्राइसेस जो है ये जून कॉन्ट्रैक्ट में अगर देखें तो वो बैकवर्डेशन में नहीं है, फॉरवर्डेशन में ही है और प्राइसेस जो है उस समय 3,000 के आसपास ट्रेड कर रहे हैं। चांसेस यही लग रहे हैं कि यहाँ से जरूर रिवर्सल देखने को मिलेगा और जो गैप है स्पॉट और फ्यूचर में वो भी कम होता हुआ दिखेगा जरूर। पिछले कुछ हफ्तों में हमने देखा कि जो गैप था वो बढ़ रहा था स्पॉट और फ्यूचर में, लेकिन आने वाले कुछ हफ्तों में हम देखेंगे कि गैप जो है ये कवर होता हुआ दिखेगा। जी ये सर रविंद्र जी, ग्वार कॉम्प्लेक्स की बात की जाए तो ग्वार में भी हमने काफी समय तक अच्छी खासी एक तरफा तेजी देखी है। ग्वार गम के प्राइसेस 12,000 के ऊपर सस्टेन थे, वहीं ग्वार सीड के प्राइसेस 6,400 के ऊपर, लेकिन अब देख रहे हैं कि प्राइसेस थोड़े स्लिप ऑफ हुए हैं। आपको क्या लगता है, क्या फिर से वही अच्छी रैली देखने को मिलेगी या फिर अभी जो प्राइसेस हैं वो थोड़े और नीचे जाएंगे? देखिए अभी एक तो नॉर्मल मॉनसून फोरकास्ट हुआ है और उसके साथ में एक्सपेक्टेशन है कि हाइंग ये सोइंग एरिया जो है ये हायर होने वाला है कमिंग सीजन में, वो प्राइसेस को थोड़ा सा प्रेशराइज कर रहे हैं, लेकिन जैसे जैसे और क्लैरिटी आएगी तो चांसेस हैं कि यहाँ से रिकवरी जरूर देखने को मिलेगी। लेकिन अगर चांसेस हैं कि अगर सोइंग एरिया ज्यादा बढ़ रहा है तो करेक्शन जरूर देखने को मिलेगी। अभी फॉर द टाइमिंग मंथली चार्ट पे ग्वार सीड में करेक्शन देखने को मिल सकती है, 5,300 तक के लेवल डाउनसाइड में देखने को मिल सकते हैं पोजिशनली। वहीं ग्वारगम की बात करें तो ग्वारगम में भी सेलिंग पैटर्न बनते हुए दिख रहे हैं और चांसेस है कि यहाँ से एक अच्छी करेक्शन देखने को मिल सकती है, लगभग 10,500 के आसपास लगभग 1,000 पॉइंट की करेक्शन इसमें देखने को मिल सकती है। जी रविंद्र जी, मसालों की बात की जाए तो मसालों में हमने देखा है कि धनिया हो चाहे जीरा हो, फंडामेंटल्स तो स्ट्रांग है लेकिन प्राइसेस यहाँ से आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, बल्कि यहाँ से करेक्शन और देखने को मिल गई। आपको क्या लगता है मसालों में अच्छी तेजी कब तक एक्सपेक्टेड है और क्या प्राइसेस होंगे आगे इन फ्यूचर? देखिए टर्मरिक में स्विंग जो है वो अभी
पेस पकड़ रही है और फार्मर्स जो है वो काफी ज्यादा इंटरेस्टेड है प्राइजेस को लेके, और उसकी वजह से देखने को मिल रहा है कि प्राइजेस जो है वो थोड़े से प्रेशराइज जरूर थे, लेकिन चांस यही थे कि रमजान के बाद में जो एक्सपोर्ट डिमांड है वो पिकअप करेगी तो प्राइजेस अगेन जो है ये हायर साइड में मूव करेंगे। करेक्शन जरूर ले चुके हैं, इस समय हेल्दी करेक्शन ली है, जीरा में भी हेल्दी करेक्शन हो चुकी है ऑलरेडी, तो चांसेस देंगे यहाँ से थोड़ा बहुत और 200-300 पॉइंट का डिप लेने के बाद जीरा जो है ये रिवर्सल करेगा और हायर साइड में 21,500 तक के लेवल इसमें देखने को मिल सकते हैं अगेन। वही टर्मरिक की बात करें तो टर्मरिक में भी करेक्शन हमने आती हुई देखी थी, प्राइसेस ऑलमोस्ट 10,800 के आसपास से रिवर्स करने के बाद 7,800 के आसपास का लो लगाने के बाद रिवर्स किए हुए हैं, तो चांसेस हैं कि यहाँ से वापस हायर साइड में 87,800 तक के लेवल इसमें भी पोजिशनली देखने को मिलेंगे। धनिया में ऑलरेडी आज हम 1.5% का मूव देख चुके हैं और आने वाले दिनों में चांसेस हैं कि फर्दर धनिया जो है ये हायर साइड ही मूव करेंगे, क्योंकि फंडामेंटल अभी काफी सपोर्टिव है। जी रविंद्र जी, कैसर में क्या लगता है? कैसर में हमने 7,500 तक प्राइसेस को जाते हुए देखा है, लेकिन फिर वहां से करेक्शन बनती नजर आई थी और 7,000 के भी नीचे जो प्राइसेस थे वो गए थे। अब क्या लगता है, क्या कैसे के फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग है जो कैसे को फिर से और अच्छी तेजी की ओर लेके जाए? देखिए कैस्टर में एक कंसोलिडेशन देखने को मिलेगी, अभी चार्ट पैटर्न्स पे तो कंसोलिडेशन एक एक्युमुलेशन जोन बनता हुआ दिख रहा है और यहाँ से चांसेस है कि नीचे में 71,50 और हायर साइड में 73,80 तक के लेवल्स है, इसी जोन में ये कमोडिटी जो है ये आने वाले कुछ हफ्तों तक ट्रेड करेगी और उसके बाद में ब्रेकआउट देखने को मिल सकता है। जी रविंद्र जी, एडिबल ऑयल पैक में क्या लगता है आपको, जिस हिसाब से देख रहे हैं रशिया यूक्रेन का वॉर चल रहा है और इंडोनेशिया ने बैन लगा दिया है, मलेशिया ने अपना ऑयल इंडिया को देने से मना कर दिया है, तो ऐसे में अब एडिबल ऑयल की सिचुएशन क्या रहने वाली है? देखिए एडिबल ऑयल्स जो है ये ऑलरेडी काफी ज्यादा मूव हायर साइड में दिखा चुके हैं और जिस तरीके की इंटरनेशनल इस समय इसमें प्ले हो रहा है वो प्राइसेस को और सपोर्ट करेगा और हायर साइड मूव करेगा, लेकिन गवर्नमेंट इंटरवेंशन होगी तो ऑब्वियसली प्राइसेस में जरूर करेक्शन देखने को मिलेगी। अभी के लिए तो इतनी ही क्लैरिटी है, जैसे जैसे क्लैरिटी बनती जाएगी उस तरीके से मूव कमोडिटी में देखने। जी रविंद्र जी, टॉपिक्स क्या देना चाहेंगे आप एग्री कमोडिटीज में? एग्री कमोडिटीज में कोकोर में काफी अच्छे पैटर्न्स बनते हुए देखते हैं, कोकोर मई कॉन्ट्रैक्ट बाय करके चल सकते हैं, 2870 के बिलो रखेंगे स्टॉप लॉस और हायर साइड में 3050 तक का टारगेट कर सकते हैं। दूसरा कॉल हमारा रहेगा टर्मरिक में 8150 के अराउंड डिप पे बाय करेंगे और स्टॉप लॉस रहेगा 8020 के बिलो और टारगेट करेंगे 8400 का। जी बहुत बहुत शुक्रिया रविंद्र जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, जानकारी साझा करने के लिए। तो ये था एक छोटा सा कमोडिटी बाजार का अपडेट कि शाम के कारोबारी सत्र में क्लोजिंग होते होते कमोडिटी बाजार कैसा ट्रेड करता नजर आ रहा है और इस पर हमारे एक्सपर्ट की क्या राय थी। फिलहाल बाजार की चाल में अभी के लिए बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।